पहली रात है, आज आप मगरिब ईशा को 18 मरतबा सूरह नज़लना पढ़े, ईशा के बाद पढ़े कोई मुश्किल वाजिब नहीं, मुस्तहब है। ये पढ़कर इसने कहा ये सूरह, आप जानते हैं कि ये सूरह माह रमजान का 19, 21 या 23 के 3-9 दिनों में ये सूरह नाजिल हुआ था। तो ये सूरह जरूर पढ़ो 18 टाइम्स एवरी डे पूरे रमजान, आप देखते जाना इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी नेमतें कैसे कैसे नाजिल होती है। एक्सीडेंटल मौत से मरता बच जाता है इंसान ये सूरह से। ये सूरह से तुम्हारा अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस, कल इंशाल्लाह स्ट्रेस के ऊपर एक दुआ बताऊंगा, अल्लाह के नाम है, दुआ क्या है, अल्लाह के नाम है, स्ट्रेस दूर होता है। जो आज मदर ऑफ ऑल डिजीज बोलते हैं स्ट्रेस को, सारी बीमारियां उसी के साथ है, तो वो खत्म होता है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद का ये अजीब मौजूद अजीब सूरह है। और ये सूरह, और एक बात बोलो, ये छठे इमाम का इशारा है, मेरा मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बेटे के वजूद की दलील है। आप नहीं समझ, लोगों ने जाके कहा था मौला आपके जो बेटा खायम आने वाला है वो इतना लंबी जिंदगी होगी उनकी, तो उसकी दलील क्या है? तो कहा सूरह नज़ला। पूछा कैसे? तो कहा सूरह नज़ला में तुम पढ़ते नहीं हो तरज़ुल मलाइका व रूहो फिया बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, तो ये बताओ कि किसके ऊपर मलाइका नाज़िल होती, हर दौर के इमाम के ऊपर जो अल्लाह की हुज्जत है। तो मेरे बेटे के वजूद की दलील दुश्मन के सामने अगर देना है तो उनसे ये पूछो कि हर शबे कदर को जो नाजिल हो रहे मलाइका वो किसके ऊपर नाजिल हो, ये मेरे बेटे के वजूद की दलील। इतना बड़ा सूरह, इतना बरकतों वाला सूरह सूरह नज़ल, इसीलिए हमारे पास नमाज में रखा गया सूरह नज़ल। तो वाजिब नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते, 18 मरतबा ये पढ़ो आज की रात। और आज की रात की 3 दुआएं, दुआ पहली दुआ यह करना कि अल्लाह तेरी रहमतों वाला महीना आ गया, बरकतों वाला महीना आया। पहली चीज यह कि अल्लाह तू हमको सेहत देना कि हम पूरे 30 दिन तेरी इबादत कर सके। आपने इसी किया इस बात, आज आपने इबादत की कल बीमार हो गए तो क्या होगा? ये बरकतों वाला महीना हाथ से निकल जाएगा। पहली चीज ये दुआ करना कि अल्लाह तू हेल्थी रखना कि और ये तौफीक देना कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। इसलिए कि दोस्तों इबादत का शौक तो सबको है, अल्लाह का रसूल कहता कि अगर मेरी अल्लाह की इबादत का तुम शौक पैदा करना चाहते, अल्लाह की इबादत की तौफीक चाहते कि तुमको मिले, तो तुम मेरे 10वें और 11वें वारिस का वास्ता दो। इमाम अली नखई अलैहिस्सलाम का और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि परवरदिगार तू हमको तौफीक दे, गिव अस चांस, अल्लाह तुमको मौका दे, चांस दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। दोस्तों इबादत कोई मामूली चीज नहीं, अगर इबादत तुम्हारी कबूल हो जाए तो सारी चीजें तुम्हारी कबूल होगी। इबादत कबूल होगी तो तकवा भी आएगा, इबादत कबूल होगी तुम अल्लाह की बारगाह में खरीब भी होगे, इबादत कबूल होगी तो मासूमीन की निगाह करम तुम्हारे ऊपर आए। इबादत वो है अल्लाह की इबादत करने के शौक कर, दुआ मांगो। तीसरी चीज आज की रात में दुआ मांगो कि परवर, मैं इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करूंगा कि परवरदिगार माह रमजान आया हमारे गुनाहों को माफ, एक चेकलिस्ट बनाओ कि मांगना क्या क्या है, कि इस महीने में अगर गुनाह माफ हो जाए तो तुम बिल्कुल, इसलिए कि जब तक रहमत नहीं आती जब तक तुम्हारे गुनाह माफ नहीं होते। ये जहन से निकाल दो कि मैं बिल्कुल पायस हूं न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा नेक तो मैं, ये निकाल दो जहन से। इसीलिए हुक्म है कि जब भी दुआ मांगो तो दूसरों के लिए दुआ मांगो, प्लीज वॉच दिस, जब भी दुआ मांगो दूसरों के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए मांगना। क्यों? दूसरों की दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। उसी तरह कहा जब गुनाहों की माफी मांगना तो दूसरों के गुनाहों की माफी नहीं मांगना, पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना, दूसरों की गुनाहों की बाद में मांगना, इसलिए कि तुमको तुम्हारे गुनाह मालूम है दूसरों के नहीं मालूम। कितना बड़ा अल्लाह दस दे रहा कि तुम हमेशा अपने गुनाहों की माफी मांगो दूसरों की नहीं, इसलिए कि हमको मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या किया। वो तो उसका कर्म है कि उसने रहमत का पर्दा डाल के माशरे में पेश कर दिया, वरना तो हम खत्म हो जाए। तो बस तो ये 3 चीजें करना है, सूरह नज़ला आज की रात पढ़ो, गुनाहों की माफी की दुआ मांगो और अल्लाह की इबादत करने की तौफीक की दुआ मांगो। चौथी चीज मग़फ़िरत की दुआ मांगो मरहूमीन के लिए। कुछ मत बोलो, इतना बोलो अल्लाहुम्मा फ़िल मोमिनीन वल मोमिनात व महिबाने आले मोहम्मद, ये एक जुमला मोमिनीन और मोमिनात, उर्दू में भी बोल सकते हैं इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि अल्लाह तू आज की रात रमजान में
मेरे मरहूमीन की तो मगफिरत कर, इसलिए कि अगर उनकी मगफिरत हो जाए तो उनकी नहीं हो रही आपकी मगफिरत हो।